हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। आज ही आ गया हूं लेके एक बहुत बढ़िया रेसिपी, और रेसिपी का नाम है कैप्सिकम पनीर मसाला। दिल्ली से आगे जब भी आप ड्राइव करके जाएंगे या मतलब दिल्ली के आसपास रेस्टोरेंट्स में भी खाएंगे, तो एक डिश छोटे रेस्टोरेंट्स में मिलती है, वही कैप्सिकम पनीर, और बहुत स्वादिष्ट होती है। उसमें जो कैप्सिकम को पकाया जाता है ना ग्रेवी में, मसाले में एक्चुअली, उसका जो फ्लेवर होता है वो इतना उमदा होता है, पूछिए मत। और वो एक यूनिक एलिमेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है पूरे डिश को। तो आज आपके लिए वही बन रहा है। सबसे पहले हम तेल ले लेंगे, तेल गरम करने रख लेता हूं। थोड़ा से खड़े मसाले ले लीजिएगा, छोटी इलायची तोड़ के डाल लीजिए, लौंग ये, तेज पत्ता एक डाल दें इसको काट के, और थोड़ा सा जीरा एक छोटा चम्मच ये डाल दें। अब इसको थोड़ी देर भूनिए, मसालों का फ्लेवर आना चाहिए। आप चाहें तो दालचीनी और जावित्री नहीं डाल सकते, दालचीनी डाल सकते हैं, ठीक है जी। बस गरम मसाला वैसे भी हम डालेंगे और इसको पकाएंगे अब। तो ये जो कैप्सिकम है एक्चुअली, जनरली एज अ शेफ या मैं जब खाना बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। तो इसको हम भून लेते हैं, जीरा जैसे ही ब्राउन होता है इंतजार करेंगे थोड़ा सा। ब्राउन होने पे जीरा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्याज डाल लेंगे और भूनिए, दो बड़े प्याज चॉप करके डालें, भूनिए अच्छे से, बड़े वाले, मीडियम साइज के हैं तो तीन लीजिएगा। इसको भूनना है, ब्राउन करना है। प्याज जैसे ही ब्राउन होता है तो हम यहाँ पे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल लेते हैं, और उसके बाद भूनेंगे वापस। कुछ लोगों को ऐसे में डर लगता है कि अरे जल ना जाए, तो थोड़ा सा पानी जरूर डाल सकते हैं, और भूनने के बाद थोड़ी देर टमाटर डाल दें। टमाटर एंड लेट्स डू दिस। नमक शमा, यस, करिए करिए घर पे। ये लीजिए नमक, अपने सेहत के हिसाब से डालिएगा, ठीक है जी। यहाँ मैं उतना ही डालता हूँ जितने की आवश्यकता है। तो डालने के बाद वापस 3-4 मिनट तक भूनेंगे ताकि थोड़े से टमाटर गल जाएं। तो चलिए अब धनिया पाउडर, सबसे पहले ये लीजिए 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए। धनिया पाउडर एक्चुअली एक ग्रेवी को अच्छा बेस देता है, ठीक है जी, ये याद रखिए। ये 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल लें, गरम मसाला इस वक्त ही डाल देता हूँ 1 छोटा चम्मच। इसमें हल्दी ज़्यादा पड़ती है तो ये 1 छोटा चम्मच हल्दी डालें। आमचूर पाउडर, थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन फ्लेवर है करके खटास आनी है, तो 1/2 छोटा चम्मच ही डालिएगा। 3-4 हरी मिर्चें इस तरह से लच्छे में काट के डाल लें, अदरक डाल लें थोड़ा सा, 1/2 इंच टुकड़ा। अब भूनेंगे, इसमें अब हम पानी डाल लेते हैं, लीजिए। लगभग 1.5 कप पानी डाल लें और इसको अब हम पकाएंगे। तीन चार मिनट तक पकाइएगा,
ताकि जो टमाटर है वो सारी चीज़ें अच्छे से गल जाए, ग्रेवी एक अच्छी सी फॉर्म हो जाए। ठीक है, अब रेस्टोरेंट है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग कैश्यू नट पेस्ट डालते, बट छोटे रेस्टोरेंट नहीं डालते कैश्यू नट पेस्ट। ठीक है ना, दिस इज़ लाइक थोड़ा क्रीम डलता है लास्ट में, वो हम डालेंगे, लेकिन आप इसे पकाएंगे पहले। तो चलिए जी, बढ़िया तरीके से देखिए ग्रेवी पक गई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने कहा कि इस ग्रेवी में एक यूनिक फ्लेवर आता है जो कैप्सिकम और प्याज का होता है, इसलिए हम ये प्याज डाल लेंगे। तो एक प्याज को इस तरह से काट के खोल ले और डाल लें, और एक पूरा बड़ा वाला कैप्सिकम ले, ये इस तरह से क्यूब्स में काटें। कैप्सिकम डालें अच्छा अच्छी क्वांटिटी में। अब ये डालने के बाद वापस पकाएंगे 3-4 मिनट तक, ताकि ये कैप्सिकम थोड़ा गल जाए अच्छे से, गलना चाहिए। ठीक है, कैप्सिकम का एक फ्लेवर होता है, थोड़ा सा स्वीटनेस होता है, यूनिक सा फील होती है। जब ग्रेवी खाओ ना तो वो आपको नज़र आ जाएगी कि हाँ इसमें कैप्सिकम अच्छे से पकाया गया है, तो इसको पकाना अच्छे से। ठीक है, तो कैप्सिकम और प्याज को हमने अच्छा खासा पका लिया, लगभग 4-5 मिनट तक पकाना जैसे मैंने कहा। और यहाँ पे ये लीजिए 2 बड़े चम्मच दही के डाल लेते हैं, थोड़ा सा भून ले। अभी वापस दही डालने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा दही मत डालिएगा क्योंकि आमचूर खटास के लिए ऑलरेडी डली है। दही से सिर्फ जो चिली स्पाइस लेवल है ना वो एकदम बैलेंस हो जाता है और थोड़ी सी क्रीमिनेस आ जाती है। ये देखिए दही डाला, पका लिया, अब पनीर डाल लेते हैं। तो पनीर हमने लगभग 250 ग्राम डालना है। ठीक है, और इसमें फ्रेश क्रीम डाल लें, ये लगभग 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए डालिए, मिक्स करिए, एंड फाइनली वी आर हियर। वाह क्या बात है, ये लीजिए, वाह मजा आ गया। थोड़ी देर पकाइए, 1-2 मिनट तक, उसके बाद परोसने की तैयारी मैं करने जा रहा हूं। थोड़ी देर पकाएं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम इंडक्शन मेरा बंद। ठीक है जी, और परोसने की हमने तैयारी कर ली। थोड़ा सा क्रीम से गार्निश कर लेंगे इसको, ये लीजिए बिल्कुल क्रीम, कसूरी मेथी, थोड़ा जिंजर। तो ये हो गई हमारी डिश तैयार, कैप्सिकम पनीर मसाला। ऐसे बना के खाइए पूरे परिवार के संग, वाह मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तैयार है हम बनाने के लिए घर पे, कैप्सिकम पनीर मसाला सिर्फ आपके लिए।